अजय देवगन बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिसके मेरे साथ साथ आप भी बहुत बड़े फैन होंगे, चाहे मैं एक्टिंग की बात करूं चाहे डायरेक्शन की। अजय देवगन भाई हर जगह पे परफेक्ट ही रहे हैं। अजय देवगन की एक मूवी आई थी रनवे 34, भले वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे कुछ अच्छा नहीं कर पाई बट स्टिल वो डायरेक्शन के मामले में भाई वो वर्ल्ड क्लास है। वैसी उन्होंने एक मूवी और डायरेक्ट की है शिवाय नाम की, भले वो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ अच्छा नहीं कर पाई बट स्टिल उसकी डायरेक्शन भाई बहुत ज्यादा अच्छी है। अजय देवगन एक फिर से मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं भोले नाम की मूवी, और उसका एक फर्स्ट लुक आया है। भले उस मूवी में अजय देवगन का कोई लुक नहीं दिखाया है, बस हेयर ही दिखाया है और माथे पे तिलक लगता दिखाया है, बट स्टिल भाई उतना काफी है भाई अजय देवगन के फैन को थिएटर तक लाने के लिए। पूरे फर्स्ट लुक में हमको 3 से 4 ही शॉट दिखाई देते हैं। एक बच्ची का लुक दिखाई देता है, उसके बाद अजय देवगन के जेल का लुक दिखाई देता है, उसके बाद जो माथे पे तिलक लगाते हैं उसका लुक दिखाई देता है, एक एक फिंगर का लुक दिखाई देता है जिसके ऊपर टैटूज बने हुए हैं, उसके बाद दिखाई देता है भाई ये एक्शन वाला सीन। इस पूरे अगर एक्शन सीन को तुम देखोगे ना, इस पूरे एक्शन सीन को भाई एक नंबर का एक्शन सीन है। लिटरली ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई, ऑडियंस को सिर्फ यही चाहिए। और इसको देखने के बाद अगर ऑडियंस थिएटर में नहीं आई तो मेरा नाम बदल देना। ये मूवी अजय देवगन डायरेक्ट करने वाले हैं तो ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, पर यहाँ पे भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो भोले मूवी है ये ऑलरेडी बन चुकी है, मतलब साउथ की एक मूवी है कैथी, उसका रीमेक है, और उस मूवी ने साउथ में रिकॉर्ड बना दिया था कि एक 16 करोड़ की मूवी 100 करोड़ प्लस का बिजनेस करके दिखा चुकी है। उससे भी ऊपर जो उसका हिंदी डब है वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है फ्री में, ऑडियंस जाके भाई फ्री में देख सकती है, फ्री में अवेलेबल किया हुआ है गोल्ड माइन के यूट्यूब चैनल ने, के ऊपर ऑलरेडी 100 प्लस व्यूज है भाई, 100 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं, मान सकते हो 100 मिलियन से ज्यादा ऑलरेडी लोग उसको देख चुके हैं। इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये कहती है भाई वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, लोकी यूनिवर्स, जिसके अंदर विक्रम भी आती है। विक्रम को देखना चाहो तो भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ऑलरेडी वो अवेलेबल है, उसके ऊपर जाके देख सकते हो। कैथी को देखना हो तो भाई यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, उसके ऊपर जाके तुम देख सकते हो। ऑलरेडी पब्लिक ने इन दोनों मूवीज को देखा हुआ है, सेकंड ये सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा है, ऊपर से भाई बॉलीवुड इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का रीमेक कर रहा है हिंदी में, अगर जिसका हिंदी डब ऑलरेडी अवेलेबल है। अब तुम लोग बोलोगे कि दृश्यम 2 भी एक रीमेक है, वो भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कर रही है। हाँ वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कर रही है, पर जरा सोच के देखो क्या दृश्यम की फ्रेंचाइजी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है? नहीं, वो एक पूरी फैमिली के अराउंड ही घूमती है, एक फैमिली है उसके अराउंड कहानी घूमती है, और उनके ही नजरिए से दिखाई गई है कैसे वो एक क्राइम करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। ऊपर से उसका हिंदी डब यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल नहीं है दृश्यम 2 का, इसीलिए ऑडियंस ने भाई हिंदी ऑडियंस ने अभी तक उस मूवी को देखा ही नहीं था, इसीलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम हिंदी ऑडियंस दृश्यम 2 के हिंदी वर्जन को देख रही है जिसमें अजय देवगन ही है। देखो अजय देवगन के ऊपर मुझे भरोसा है, अगर अजय देवगन इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं तो मुझे इतना भरोसा है कि भाई ये मूवी खराब तो नहीं होगी, पर ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ अच्छा कर पाएगी या नहीं इसका तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सिर्फ एक मूवी का अच्छा होना ही एक बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमाई करने के लायक नहीं होता। एक मूवी को ओरिजिनल होना और एक्सप्लोर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऑडियंस को पता होना चाहिए वो क्या देख रही है क्या नहीं देख रही है, और ऑडियंस को ऑलरेडी मालूम है कि भाई एक कैथी का रीमेक होने वाला है। जिस तरह से उसको दिखाया गया भाई, मैंने जब देखा तो मेरे को दिमाग कैथी का रीमेक है यार। देखो जिसको फर्स्ट लुक है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, मैं इसके टीजर या ट्रेलर का वेट कर रहा हूँ ताकि इसको और ज्यादा डिटेल से मैं देख सकूँ, जान सकूँ क्या है क्या नहीं है। और अजय देवगन का जो लुक है भाई उसको नहीं दिखाया गया है तो उसका भी मुझे वेट है। बाकी तुमको ये कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताओ, तुमको क्या लगता है ये कमाई करेगा कि नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में बताओ, बस बता दो, बवाल कर दो, मजा दिला दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो।